सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं प्लस टू अकाउंट्स। अगर हम बात करें प्लस टू अकाउंट्स की तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक बोलते हैं पार्टनरशिप और दूसरा है हमारे पास कंपनी। तो हम फर्स्ट स्टडी करेंगे हम पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो अगर हम पार्टनरशिप से पहले की बात करें, प्लस वन की बात करें, तो प्लस वन के अंदर आपने कंसेप्ट सीखे थे सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मानना क्या था कि एक सिंगल ओनर है, एक सिंगल क्या है बिजनेसमैन है, और वो क्या करता है एक बिजनेस सेटअप करता है, मतलब एक बिजनेस यूनिट लगाता है और बिजनेस को हैंडल करता है, मतलब सारी एक्टिविटी कौन ऑपरेट करेगा यहाँ पर एक सिंगल ओनर ही ऑपरेट करेगा। कैपिटल कौन लेके आएगा यही लगाएगा, उसके बाद जो डिसीजन लेगा सिंगल ओनर लेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो सिंगल ओनर करेगा, जो रिस्क होगा वो भी इसी को होगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी को होगा, जो हैंडल करना है मैनेजमेंट वो सारे किसके डिसीजन होंगे वो एक सिंगल बिजनेसमैन के होंगे। तो ये इसके लिए काफी लिमिटेशंस की बात करें कुछ प्रॉब्लम इसके सामने आती थी। और प्रॉब्लम कौन सी थी कि अपने बिजनेस को बड़े स्केल पे नहीं कर पाता क्योंकि इसके सामने कैपिटल की समस्या आती थी कि पैसा कहाँ से लेके आए। अब जितना इसके पास रिसोर्सेज है सिर्फ वही लगा सकता है ना, ये मार्केट से कितना लेके आ सकता है, नहीं लेके आ सकता, इतनी ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर नहीं लगा सकता। अगर हम बात करें सारा का सारा रिस्क किसका रहता है, इसी बिजनेसमैन का रहता है, इसी ओनर सिंगल ओनर का रहता है सारा रिस्क। तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम थी, जो मैनेजमेंट करना पड़ता है वो सारा इसको करना पड़ता है, जो डिसीजन लेने पड़ते हैं वो सारे डिसीजन इसी के द्वारा लिए जाते हैं। तो काफी क्या था इसके लिए समस्याएं थी। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी और साथी को इसके अंदर मेंबर बना लूं और हम क्या करें मेंबर बन के मिलके काम करें और मतलब बिजनेस को आगे एक्सपेंड करें। तो इसने क्या किया लोगों को अपने साथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब लोग आते रहे और बिजनेस क्या हुआ इसका बढ़ता रहा, और इसका नाम क्या दे दिया पार्टनरशिप। क्या नाम दे दिया इनका पार्टनरशिप। अब कहते हैं पार्टनरशिप से क्या क्या फायदे हो जाएंगे, अगर हम बात करें बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे अगर हम पार्टनरशिप। पहले तो ये एक सिंगल ओनर था जो क्या करता था बिजनेस चलाता था, लेकिन अब आपने जो बिजनेस की शेप है वो चेंज कर लिया है क्योंकि आपने बिजनेस के अंदर क्या लगा लिए हैं अलग अलग बिजनेसमैन को मालिक बना दिया है। आपने क्या स्टार्ट कर दी है एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी है जहां पर एक से ज्यादा क्या है मालिक है। तो इससे क्या फायदा होगा, एक तो आपके पास कैपिटल बढ़ जाएगी आपके बिजनेस के अंदर, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे आपके बिजनेस के अंदर, नई नई टेक्निक आएगी आपके बिजनेस के अंदर, आपके यहाँ मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, आपका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होएगा, आपका जो रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। तो काफी आपको फायदे होने वाले हैं अगर हम बात करें पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप से कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये तो सब होगा लेकिन जो प्रॉफिट होगा ना वो क्या होएगा सभी के बीच में बटेगा, लेकिन जो प्रॉफिट बटेगा ना वो पहले से बेटर प्रॉफिट होगा क्योंकि आपका बिजनेस बड़े स्केल पे काम कर रहा है। अगर ये बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने में इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ही अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है तो इनके बीच में झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्स कहेगा यहाँ पर मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, वाई कहेगा मेरे को मिलना चाहिए, जेड कहेगा मेरे को, जितना ही पार्टनर है वो सभी कहेंगे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए क्योंकि मैं क्या कर रहा था यहाँ पर एज ए वर्किंग पार्टनर काम कर रहा था, मेरी वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या मैंने बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा लगाया है, या मेरी एज ज्यादा है, या मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, और प्रॉब्लम जब आएंगे तो कहाँ जाएंगे सहारा लेने के लिए, जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट में क्या है पहले से इतने केस पेंडिंग है तो कोर्ट ने क्या बोल दिया इनको कि भाई हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम डेली आपके बिजनेस के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको समाधान करने के लिए बैठे, हमारे पास ये डेली के रूटीन के मैटर लेके नहीं आओ, ये आप अपने लेवल पे हैंडल करो। तो कोर्ट ने किसको बोल दिया, कोर्ट ने बोल दिया गवर्नमेंट को कि भाई इनके लिए कोई प्रॉपर तरीके से कोई एक फॉर्मेट लेके आओ, एक रेजोल्यूशन लेके आओ, ये डेली के जो रूटीन के छोटे मोटे मैटर होते हैं इनको कोर्ट में सॉल्व नहीं किया जा सकता।
तो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप उठाया गया है जिसको हम बोलते हैं अपनी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर अगर हम बात करें, दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक क्या होती है, राज्यसभा। सबसे पहले लोकसभा में बिल पेश किया जाता है, उसके बाद मेजोरिटी के द्वारा पास करके वो राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में जब पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, अपनी मोहर लगा देते हैं, अपने साइन कर देते हैं। उसके बाद क्या बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है। तो पावर अगर हम बात करें, बिल, बिल क्या होता है, कच्चा चिट्ठा होता है जो लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर मोहर लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और ऐसे ही हमारे देश के अंदर एक एक्ट बना दिया गया जो इस बिजनेस से रिगार्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन है उनके बारे में बताता है, जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब हम स्टडी करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1930 है क्या है, तो इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। अगर हम बात करें पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932 के अंदर डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप को, कि पार्टनरशिप क्या है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है, सच एज एग्रीमेंट है जो क्या है, बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन अ बिजनेस विद अ प्रॉफिट मोटिव के लिए जो काम करेंगे, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट में। तो पार्टनरशिप क्या है, यहाँ पर एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मतलब बात करें तो ये एक समझौता है जो पर्सन्स के बीच में है, बिटवीन टू और मोर पर्सन। और पर्सन कैसे होने चाहिए, इस प्रकार के पर्सन होने चाहिए जो एलिजिबल हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि उनके अंदर इस प्रकार की कैपेसिटी हो जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर सके। ऐसा नहीं है कि माइनर हो, माइनर को हम एज इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर कंसीडर नहीं करते। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने कंसीडर करना है, एग्रीमेंट के अंदर कंसीडर करना है, तो सिर्फ वो प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करेगा, लॉस के अंदर भागीदार नहीं होगा। अगर माइनर की बात करें, माइनर मतलब जिसकी एज 18 से कम है, तो 18 से एज जिसकी कम है उसको एज हम पार्टनर ट्रीट नहीं कर सकते। अगर पार्टनर उसको ट्रीट किया जाएगा तो सिर्फ ओनली तब उन केसों में किया जाएगा जब वो सिर्फ प्रॉफिट के अंदर ही भागीदार होगा, लॉस के अंदर उसको भागीदार नहीं बनाया जा सकता। अगर बात करें, इस प्रकार से पर्सन होना चाहिए जो साउंड माइंड का हो, जो समझदार हो, जो चीजों को समझ सकता है, ऐसा नहीं अनसाउंड माइंड, गजनी टाइप। तो इस तरह के पार्टनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते इस तरह के पर्सन को, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है, 5 मिनट के बाद वो चीज भूल जाता है। तो ऐसे पर्सन जो पूरी तरह से समझदार हो, मतलब जिसको समझने, सोचने, समझने की क्षमता हो, ऐसा नहीं है कि आपने जिसको समझ ही नहीं है, पागल इंसान है, उसको आप पार्टनर बना दोगे, नहीं बना सकते हैं। तो बिटवीन जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है ना, और कैरी ऑन अ बिजनेस, जो बिजनेस कैरी किया जाएगा वो एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे हो, किडनैपिंग का बिजनेस करते हो, तो इस तरह के बिजनेस को आप नहीं बोल सकते। और ये बिजनेस किस लिए किया जाना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव से, कुछ ना कुछ इसके पीछे अर्निंग पर्पज हो। और जो बिजनेस है वो किसके द्वारा चलाया जा सकता है, जितने ही पार्टनर है सभी आके चेयर पे बैठ जाए कुर्सी पे, बिजनेस में कहते हैं ये करो वो करो, मतलब सभी भी अपना बिजनेस, क्योंकि मालिक है भाई, कोई भी काम करवा सकता है, तो सभी भी काम करवा सकते हैं। या वो बोल सकते हैं कि भाई सभी काम ना करके किसी एक को एजेंट बना दे और वो हमारे बिहाफ पे क्या करेगा, काम करेगा। तो जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा वो सभी के सभी पार्टनर हैं जितने भी, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे और एक्स ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एज ए एजेंट, और अब वाई जेड इससे मना नहीं कर सकते कि हमने तो साइन नहीं किए या हमारा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि एज ए एजेंट आपका काम कर रहा था, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ड्यूटी दी है। और ये एग्रीमेंट किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन पर्सन के बीच में। अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, लेकिन प्रेफर किसको करना चाहिए, रिटर्न में, क्योंकि आपको अगर आपको कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में अगर आप ओरली बनाओगे तो आपको विटनेस लेके जाना पड़ेगा, और विटनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, आप घूस दोगे, दूसरे वाला साथी वाला घूस देगा, दो दो पर्सन को आपको विटनेस दिखाना पड़ेगा, तो ये बिजनेस के लिए इजी नहीं रहता। तो आपको क्या चाहिए, रिटर्न में चाहिए, ताकि आप कोर्ट में जाके दिखा सको। तो यहाँ पर क्या है, एग्रीमेंट किनके बीच में होनी चाहिए, पार्टनर के बीच में, जो रिटर्न ज्यादा से ज्यादा प्रेफर किया जाना चाहिए। ओरली भी कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि रिटर्न में बनाना जरूरी है। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इसेंशियल फीचर की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पार्टनरशिप की, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप कब अराइज होती है, जैसे उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, किनके बीच में, पर्सन के बीच में, जो दो या दो से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं जो किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अपने आप को एक दूसरे की समझ के अनुसार समझते हैं, मतलब आपस में समझौता करते हैं कि हम इस टाइप का बिजनेस करेंगे, इतना पैसा लगाएंगे, इतना पैसा बांटेंगे, मतलब एक इस तरह का एग्रीमेंट जिसको हम क्या बोल देते हैं, डीड बोल देते हैं।
और ये क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग, जितना भी प्रॉफिट होएगा देयर शुड बी एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट जो भी होगा वो पार्टनर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना बिजनेस के अंदर अर्न किया जाएगा। और बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस कैरी कौन सा किया जाना चाहिए, पार्टनरशिप मस्ट बी ऑलवेज लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है स्मगलिंग या किडनेपिंग का आप बिजनेस करते हो। नेक्स्ट कहता है मेंबर कितने हो सकते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू मेंबर होने चाहिए आपकी पार्टनरशिप के अंदर। अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 मेंबर हो सकते हैं। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 10 मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट कहता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो पार्टनरशिप है उसके अंदर जितने भी पार्टनर है हर पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। और वो क्या है, ज्वाइंट है, दोनों जितने भी पार्टनर है सभी मिलकर ज्वाइंटली उस लाइबिलिटी को पे करेंगे। और ये क्या है, अलग अलग पार्टनर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट कहता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, कि हर कोई क्या है मालिक है, हर कोई क्या है एजेंट है। अगर बात करें मालिक की, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, एज ए पार्टनर ट्रीट कर रहा है। अगर आपने उसको एज ए एजेंट अपॉइंट किया है कि आपने हमारे बिहाफ पे काम करना है तो वो आपका एजेंट है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर एजेंट आपके बिहाफ पे कोई काम करता है तो जितने भी मालिक हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पर एवरी पार्टनर क्या बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं फर्म का, ही एक्ट कर सकता है। वो किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है किसी के साथ। और रिस्पॉन्सिबल होएगा ओन एक्ट, जो उसने एक्ट किया है, फॉर डन एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, जो उसने अदर पार्टनर के बिहाफ पे काम किया है तो इसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है और सभी पार्टनर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट कहते हैं कलेक्टिव मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट लिया जाएगा, जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सभी के द्वारा लिए जाएंगे और सभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो फर्म और पार्टनर आर डन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड नेम ऑफ द फर्म, तो फर्म के नाम से कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, ऑल पार्टनर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, इट इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली। तो इंडिविजुअली भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा और कोलेक्टिवली भी, एक साथ मिलकर भी सभी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर इज शेयर ऑफ इंटरेस्ट टू अदर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है, अपने जो शेयर है उसको किसी और को नाम देना चाहता है, तो सभी की जब तक वो कंसेंट नहीं ले लेता तब तक वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर हम बात करें कोई नया पार्टनर भी बिजनेस के अंदर ऐड नहीं हो सकता जब तक पुराने सभी पार्टनर उसके लिए कंसेंट ना दे दें। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेजेस क्या बनते हैं पार्टनरशिप के, क्योंकि पहले तो आप सिंगल बिजनेस करते थे लेकिन अब आपके जो बिजनेसमैन है, जो पार्टनर है, वो क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। Easy to form, तो पार्टनरशिप फॉर्म की जा सकती है विदाउट लीगल फॉर्मेलिटी, कोई लीगल फॉर्मेलिटी करवाने की जरूरत नहीं है, अदर एक्सपेंसेस करवाने की जरूरत नहीं है। इवन फर्म इज रजिस्टर्ड इज एक्सपेंसिज आर नॉट मच कंपेयर टू कंपनी इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है ना अपनी फर्म का, तो जो कंपनी के रिगार्डिंग एक्सपेंसिस होते हैं उनसे कम ही खर्चा आता है। वैसे कंपलसरी नहीं है कि आपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने करवाना है या नहीं करवाना है। अगर करवाओगे तो आप लीगल, आप फॉर्मेलिटीज करवाओगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि आप कोर्ट के सामने भी कुछ प्रूफ वगैरह पेश कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है एक्सेस टू मोर कैपिटल, अब फर्म क्या कर सकती है, कंसिस्ट मोर देन 1 पर्सन, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर है वो बढ़ जाते हैं, देयरफॉर इट कैन शोर सोर्सेज ऑफ फंड है, मोर कैपिटल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो कम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और अलग अलग तरह से पैसा आता है, तो हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट कहता है स्किल एंड टैलेंट, क्योंकि जितने ज्यादा आपके यहाँ मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं, जितने पार्टनर आएंगे तो अलग अलग तरीके का टैलेंट आएगा, कोई फिजिकल टैलेंट है, किसी के अंदर मेंटल टैलेंट है, किसी के अंदर सोशल से रिलेटेड टैलेंट है, तो अलग अलग टैलेंट है, चाहे किसी को प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, किसी को फाइनेंस के रिगार्डिंग है, किसी को मार्केटिंग से रिगार्डिंग है, तो टैलेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टैलेंटेड पर्सन मे बी टेकन एज अ पार्टनर, उनको हम पार्टनर बना सकते हैं, मोर स्किल एंड टैलेंट विल बी अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी इंट्रोड्यूस विच इंक्रीज द एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। वन पार्टनर में टेक परचेज, एक पार्टनर परचेज का काम करेगा, अगर सेल, अदर पार्टनर सेल का करेगा, एक मार्केटिंग का करेगा, एक अकाउंट का करेगा, मतलब इस तरह से आप अपने जो वर्क है उसको डिवाइड कर सकते हो और एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, अपने कॉन्टैक्ट से आप अपने कस्टमर से आप कॉन्टैक्ट बना सकते हो, क्योंकि पहले क्या था, सिंगल ओनर था, वहां पर सिर्फ एक ही बिजनेसमैन था, सभी कंज्यूमर के साथ या सभी कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना पाता, लेकिन अब पार्टनर बढ़ जाते हैं तो कॉन्टैक्ट बनाना इजी रहता है। ऑल पार्टनर इन फर्म में टेक पार्ट इन मैनेजमेंट के अंदर पार्ट ले सकते हैं बिजनेस के,
तो क्या कर सकते हैं, वो टच रह सकते हैं, टच में रह सकते हैं अपने कस्टमर से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, जिससे एनेबल रहेगा, स्टडी कर सकते हैं कि कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनके प्रेफरेंस क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर प्रोडक्ट दिया जा सके। नेक्स्ट कहता है बोराइंग कैपेसिटी, तो क्रेडिटर क्या है, लैंड करते हैं मनी नॉट ओनली बेसिस ऑफ फर्म एसेट बट बेस्ड ऑन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर। तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस की जो एसेट है सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिपेंड करके ही कोई क्रेडिटर क्या देता है, बिजनेस को लोन देता है। तो देखते हैं कि कितने पार्टनर काम कर रहे हैं और उनके पार्टनर के पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो भी लाइबल रहती है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये सिर्फ बिजनेस के एसेट के ऊपर डिपेंड नहीं होती, बल्कि पर्सनल जितने प्रोपराइटर आपके बिजनेस के अंदर काम करते हैं, जितने पार्टनर काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो द बोराइंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। एक्सपेंशन इन बिजनेस, क्योंकि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट फाइनेंस मिल पाता है, स्किल टैलेंट आ पाता है, मैनेजमेंट आ पाता है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को इजिली एक्सपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाई डिसीजन, तो यहाँ पर अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, डिसीजन जो लिए जाते हैं वो एक सोच समझ के आपस में कंसल्ट करके लिए जाते हैं ऑल द पार्टनर। सो नेचुरली अगर एक से ज्यादा पर्सन वहां पर इंडिविजुअल के रिगार्डिंग डिसीजन देंगे, फर्म के रिगार्डिंग डिसीजन देंगे, तो वहां पर डिसीजन बेटर हो सकता है और मोर बेनिफिशियल हो सकता है, इस प्रकार का डिसीजन। नेक्स्ट कहता है कोऑपरेशन बिटवीन पार्टनर, एक दूसरे के बीच में समझ बढ़ती है, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना बढ़ती है। पार्टनरशिप एनेबल करते हैं किस प्रकार से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनी है, किस तरह से आपने एक दूसरे की हेल्प करनी है, जिससे कि आप एज ए ज्वाइंट फैमिली की तरह काम करो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का काम करो। नेक्स्ट कहता है फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज इन बिजनेस कैन अडॉप्ट इजिली, क्योंकि यहाँ पर कोई लीगल फॉर्मेलिटी, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजिली अपनी जो बिजनेस है उसके अंदर चेंज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी लेके आनी है, ऑपरेशन बढ़ाना है, ये कम करना है, जैसे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, तो आप अपने ऑपरेशन के अंदर कम से कम कॉस्ट को कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोऑपरेशन रहता है अमंग पार्टनर के बीच में, तो इससे क्या होता है आप ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, एफिशिएंटली मतलब कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सकते हो। गुड नंबर ऑफ इकोनॉमाइज मैनेजरियल कैन ड्राइव, तो अच्छे बचते आप क्या कर सकते हो, अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा, अच्छी टैलेंट, अच्छी स्किल के द्वारा आप ले सकते हो। नेक्स्ट कहते हैं डिवीजन ऑफ रिस्क, अब जो रिस्क था पहले इंडिविजुअल में बढ़ता था, लेकिन अब क्या है, जितने पार्टनर होंगे उतने में रिस्क बढ़ेगा, तो इससे जो लॉस है वो कम रह जाएगा। तो ऑल जो भी रिस्क रहता है या लॉसेज रहता है वो बिजनेस शेयर किया जाता है ऑल पार्टनर के द्वारा। सो रिस्क ऑफ अ वेंचर कैन बी टेकन अप, तो ये लिया जा सकता है अगर ज्यादा रिस्क बढ़ता है। मेंटेनेंस ऑफ अ सीक्रेट, तो यहाँ पर बिजनेसमैन की बात करें, पार्टनर लिमिटेड होते हैं, तो यहाँ पर सीक्रेट को मेंटेन रखा जा सकता है। बिजनेस सीक्रेट की बात करें, मेंटेन इजिली द नंबर ऑफ पार्टनर, यहाँ पर क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कंपेयर टू कंपनी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन का जो टैक्स रहता है वो कम रहता है। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर टैक्स कम रहता है, कंपनी में थोड़ा ज्यादा टैक्स बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस क्या रहती हैं पार्टनरशिप की, तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर जितने भी पार्टनर है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, सभी अपना टी हटाकर दूसरे पर फोड़ना चाहते हैं कि मेरी वजह से काम नहीं हुआ, उस वजह से काम हुआ, मैं नहीं काम कर पाऊंगा, आप कर लो। तो यहाँ पर अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, मैनेजमेंट डिवाइड हो जाता है, सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी यार डिवाइड कर दी जाती है, तो हर पार्टनर ट्राई करता है कि भाई कैसे शिफ्ट किया जा सके अपने बर्डन को दूसरे के हाथ में। तो फाइनली अगर हम बात करें, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से लेना पसंद नहीं करता, लेकिन प्रॉफिट लेना पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई पसंद नहीं करता कि बाद में अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो मेरे ऊपर इसकी जिम्मेवारी आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिले इन डिसीजन, जितने ज्यादा पार्टनर होंगे वहां पर डिसीजन लेने में उतनी ज्यादा डिफिकल्टी रहेगी और टाइम आपका वेस्ट होएगा। सम टाइम अगर पार्टनर में नोट कई बार एग्री नहीं होते किसी पॉइंट पर, तो वन ऑफ द अनदर टेकिंग डिसीजन के कोई सा डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्ट की बात करें, पार्टनर नॉट इन पोजिशन टू क्विक डिसीजन, के भाई इतनी जल्दी से डिसीजन ले सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कहता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कि बिजनेस लगातार चला रहेगा इसके बारे में कुछ कंसीडर नहीं किया जा सकता, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, इनसैनिटी हो जाए, या रिटायर हो जाए नहीं पार्टनर। तो अगर बात करें पार्टनरशिप की, कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में लंबे टाइम तक चलता रहेगा। नेक्स्ट कहता है नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ शेयर, कि भाई अगर आपने दूसरे पार्टनर से कंसेंट नहीं लिया तो कोई भी पार्टनर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फर्म के अंदर अगर पार्टनर की बात करें, कैन नॉट ट्रांसफर इज शेयर इंटरेस्ट अदर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, के सभी पार्टनर से जब भी आप कंसेंट नहीं ले लेते तब तक आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो।
लैक ऑफ सीक्रेट, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो पार्टनर है वो बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर सीक्रेट मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इट मे नॉट पॉसिबल टू मेंटेन सीक्रेसी पार्टनरशिप बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टनर यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो पार्टनर्स की यहाँ पर लाइबिलिटी होती है जो अनलिमिटेड होती है। क्रेडिटर अगर हम बात करें जो लोन देते हैं बिजनेस फॉर्म को, वो रिकवर कर सकते हैं अपने लोन अकाउंट को कहाँ से, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी सेफ नहीं है। बिजनेस सोर्स इज नॉट एनफ, अगर बिजनेस के जो फंड्स हैं या बिजनेस की जो एसेट है उनसे अगर आपका जो लोन है वो रिकवर नहीं होता, तो जो पार्टनर है उनकी जो प्रॉपर्टी या पर्सनल उसके ऊपर भी आप हक जता सकते हो। डियर फोर की बात करें तो यहाँ पर पर्सनल जो प्रॉपर्टी है पार्टनर वो भी सेफ नहीं है। नेक्स्ट कहता है जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, अगर हम बात करें हर पार्टनर की जॉइंट और सेपरेटली अगर लाइबल है किसी भी जो बिजनेस के द्वारा फाइनेंस लिया गया है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर, तो अगर एक इंसॉल्वेंट हो जाता है किसी के पास पैसा नहीं रहता पार्टनर, तो जो बाकी जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं जिनके पास पैसा है तो उनको वो चीजें पे करनी पड़ेंगी। किसका डेट, जो लोन किसके लिए, इंसॉल्वेंट पार्टनर आल्सो। मतलब अगर बात करें एक्स है, वाई है और ये जेड है, एक्स क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं रहती कि बिजनेस का जो लोन है वो पे करे, लेकिन वाई जेड के पास अच्छी कैपेसिटी है, तो जो एक्स ने लोन नहीं पे किया है वो वाई और जेड को करना पड़ेगा। मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसको उठानी पड़ेगी, वाई और जेड को उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट कहता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस एंड डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर इज वेरी कॉमन। कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है कि अपने लेवल पे इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या जो इनकी समझ है वो आपस में एक दूसरे से मैच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट कहता है मिस यूज ऑफ एसेट, सभी पार्टनर अपने आप को मालिक मानते हैं, तो वो बिजनेस की जो एसेट है उनको अपनी पर्सनल पर्पज से यूज करते हैं, जिससे कि जो बिजनेस के एसेट है उनका क्या होता है, वेस्ट होता है। अगर हम बात करें पार्टनर क्या कर करते हैं, अपनी एसेट है जो बिजनेस की उनका यूज करते हैं, किसलिए, पर्सनल पर्पस के लिए। मिस यूज करते हैं एसेट का, जिससे कि बिजनेस के इंटरेस्ट है उसको हार्म होता है, मतलब नुकसान होता है कि बिजनेस की जो एसेट है उसको कहाँ यूज किया जा रहा है, पर्सनल अपने पर्पस से यूज किया जा रहा है। अगर हम बात करें बिजनेस की कार है और आप कहाँ यूज कर रहे हो, उसका ऑफिशियल यूज होना चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चों को स्कूल ले जाने आने के लिए या अपने पर्सनल फैमिली मैटर के लिए यूज करो, तो ये क्या है, मिस यूज ऑफ बिजनेस एसेट है। नेक्स्ट कहता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, के पब्लिक को इस प्रकार का कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। पार्टनरशिप फर्म प्योरली किस लिए काम करती है, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और अपने प्रॉफिट पर्पज से काम करती है, और ये कंट्रोल में भी नहीं है गवर्नमेंट के, तो क्यों सोसाइटी के लिए काम करेगी। इट इज अ नॉट कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो सच पब्लिक में नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन फर्म, तो फर्म के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये हमारे लेवल पे काम कर रही है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।